दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल नागियास लर्निंग अड्डा पर। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं दोस्तों, किसकी? आज अपन बात करने वाले हैं ईडियम्स। ईडियम्स जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट ईडियम्स हैं, 10-15 ईडियम्स इस क्लास में हम देखने वाले हैं। ईडियम्स में दोस्तों पहला ईडियम्स क्या है? पहला है डूम्स डे। क्या बोलते हैं इसको? डूम्स डे। और डूम्स डे को हम बोलेंगे द लास्ट डे ऑफ द लास्ट डे ऑफ क्रिएशन। द लास्ट डे ऑफ क्रिएशन बोलते हैं इसको, यानी कि सृष्टि का अंतिम दिन। लास्ट डे ऑफ क्रिएशन, सृष्टि के अंतिम दिन को अपन डूम्स डे बोलते हैं। और उसके बाद सेकंड देखिए, सेकंड है एस्केप लिटरेचर। क्या बोलेंगे इसको? एस्केप लिटरेचर। एस्केप लिटरेचर किसे कहा जाएगा? एस्केप लिटरेचर होता है लाइट लिटरेचर, मतलब हल्का साहित्य। लाइट लिटरेचर, लाइट लिटरेचर हल्का साहित्य, मतलब जहां ऐसा कोई साहित्य जहां पर अपने को सीखने समझने को कुछ खास नहीं मिले, उसको अपन बोलते हैं एस्केप लिटरेचर। उसके बाद तीसरी हमारी इडियम है फिश एंड ब्लड, सॉरी फ्लैश एंड ब्लड। क्या बोलेंगे इसको? फ्लैश एंड ब्लड। फ्लैश एंड ब्लड किसको कहा जाता है? फ्लैश होता है मांस और ब्लड होता है खून। तो एक तो चिल्ड्रन जो होते हैं, बच्चे, उनको अपन कह सकते हैं अपना फ्लैश एंड ब्लड। और फिर एक दूसरा भी इसके लिए बन सकता है ह्यूमन नेचर। ह्यूमन नेचर को भी अपन कह सकते हैं ह्यूमन नेचर। ह्यूमन नेचर फ्लैश एंड ब्लड कहलाता है, या चिल्ड्रन को फ्लैश एंड ब्लड हम कहते हैं। चार नंबर पर चौथा आता है द सन एंड द सब्सटेंस। क्या है ये इडियम? द सन एंड द सबस्टेंस। द सबस्टेंस, द सन एंड द सबस्टेंस। अब इसका अर्थ क्या होगा? द सन एंड द सबस्टेंस का अर्थ होता है गिस्ट। गिस्ट का अर्थ होता है किसी चीज का सार या किसी चीज का निष्कर्ष, उसको अपन बोलते हैं द सन एंड द सबस्टेंस। पांचवें नंबर पे हमारा इडियम है द साइन डाइन। साइन डाई, साइन डाई, इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग होगा इनडेफिनेट। इसका मीनिंग क्या होगा? इनडेफिनेट मतलब अनिश्चित। अनिश्चित चीज को अपन साइन डाई कहते हैं या इनडेफिनेट कहते हैं। और सिक्स नंबर पे है द सिन्यू ऑफ वार। द सिन्यू ऑफ वार, द सिन्यू ऑफ वार, इसका अर्थ क्या है? द स्न्यू ऑफ वार का अर्थ होता है मनी, मनी रिक्वायर्ड, मनी रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड फॉर द वार। वार को एक्चुअली जो वार है, युद्ध है, उसको कंटिन्यू करने के लिए जो पैसा चाहिए होता है उसको अपन स्न्यू ऑफ वार कहते हैं। युद्ध को जारी रखने के लिए जो पैसा चाहिए उसको अपने द स्न्यू द वार कहते हैं। सातवां क्वेश्चन है दोस्तों फिट्स एंड स्टार्ट्स। क्या है? फिट्स एंड स्टार्ट्स। फिट्स एंड स्टार्ट्स इसका अर्थ होता है इररेगुलरली, यानी कि जो नियमित रूप से नहीं होता। इररेगुलरली, अनियमित रूप से, उसको अपन बोलते हैं फिट्स एंड स्टार्ट्स। उसके बाद आठवां क्वेश्चन है हमारा इससे रिलेटेड, नेक एंड नेक। क्या बोलते हैं इसको? नेक एंड नेक, नेक एंड नेक, इसको क्या बोलेंगे? इसका अर्थ क्या होता है? नेक एंड नेक, इसका अर्थ होता है साइड बाय साइड, साइड बाय साइड, किनारे किनारे, उसको नेक एंड नेक कहा जाता है। तो नौवां और दसवां भी यही लिख लेते हैं अपन। आज की इस क्लास में 10 ही क्वेश्चन करने वाले हैं। तो वियर एंड टीयर, अगला क्वेश्चन है वियर एंड टीयर। वियर एंड टीयर, अब ये वियर एंड टीयर क्या होता है? वेस्टेज बाय यूज, वेस्टेज, वेस्टेज बाय यूज, मतलब यूज करके खत्म करना वियर एंड टीयर कहलाता है।
और 10 नंबर पे आज के हमारे इडियम है यह ह्यू एंड क्राई, ह्यू एंड क्राई, ह्यू एंड क्राई, इसको क्या बोलते हैं, ये होता है शोर शराबा यानी कि नॉइस यानी कि शोर। तो दोस्तों ये ईडियम की क्लास पहली, अपन को वोकैब की एक सीरीज अपन स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें कभी ईडियम्स कभी सिनोनिम कभी एंटोनिम्स इस तरह से हमारे टॉपिक चलेंगे। आज की इस क्लास में हमने वोकैब की क्लास फर्स्ट है, इसमें हमने पढ़ा है ईडियम्स। मैं एक बार फिर बता दूं कि आपका क्या है, ये इडियम कौन कौन से हैं। डूम्स डे बोलते हैं लास्ट डे ऑफ क्रिएशन, मतलब प्रकृति का अंतिम दिन यानी कि सृष्टि का अंतिम दिन यानी कि कयामत का दिन, उसको बोलते हैं डूम्स डे। एस्केप लिटरेचर होता है लाइट लिटरेचर, मतलब ऐसा कोई साहित्य जहाँ सीखने समझने को कुछ खास विशेष नहीं मिलता है। और उसके बाद है फ्लैश एंड ब्लड, इसको बोलते हैं चिल्ड्रन या ह्यूमन नेचर। द सन एंड द सब्सटेंस होता है गिस्ट यानी कि सार, किसी चीज का निष्कर्ष। और साइन डाई का अर्थ होता है इनडेफिनेट, मतलब अनिश्चित। और सिन्यू ऑफ द वार होता है मनी रिक्वायर्ड फॉर द वार। और फिट्स एंड स्टार्ट्स होता है इरेगुलरली अनियमित रूप से। और नेक एंड नेक होता है साइड बाय साइड, मतलब किनारे किनारे। और नौवा है हमारा वी एंड डियर, ये अर्थ होता है वेस्टेज बाय यूज, मतलब यूज करके किसी चीज को खत्म करना। ह्यू एंड क्राई का अर्थ होता है नॉइस यानी कि शोर शराबा। तो ये क्लास नंबर वन आज की वोकैब की क्लास, ये जो टॉपिक है आपके फर्स्ट ग्रेड में भी उपयोगी है, एसएससी बैंक डिफेंस की एग्जाम जो आप देते हैं सभी परीक्षाओं में ये चीज हमारे लिए उपयोगी है, एडियम्स बहुत उपयोगी है। तो मिलते हैं अगली क्लास में।